बेटा तुम पियो, मैं यही ठीक हूँ। क्या हो गया अम्मी, आपको ये अछूत तो नहीं है जो अपने आप को नजर बंद कर लिया है? जो शख्स मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, मुझे देखना नहीं चाहता। हाँ हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसके ससुराल वाले तो मेरा पत्ता साफ करने के चक्कर में। अरे हाँ आपका मशवरा तो मुझे बहुत पसंद आया। अरे है, इतनी बड़ी धमकी देकर आई थी मुनीरा को, फिर भी उसने मेरी बच्ची को मेरे पास नहीं भेजा। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कोई मुझे मशवरा देने वाला भी नहीं। अम्मी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, देखे मैं आपके पास आ गई। जब तक तेरे ससुराल वालों के सर पे जूते ना पड़े ना, उस वक्त तक तू नहीं आती। आप अगर उस दिन आकर तमाशा ना करती ना, तो मैं कब की आपके पास आ जाती। तू तो वादा करके गई थी ना कि अम्मी मैं तो आपसे मिलने रोज आऊंगी। अम्मी मैं यहाँ से जाकर खुद बीमार हो गई थी। है तो मुझे बताया क्यों नहीं? आप क्या करती हैं आके, बिला वजह परेशान ही होती ना, बस इसीलिए आपको नहीं बताया। और प्लीज ना आप खुद परेशान हुआ करें ना दूसरों को किया करें। हेलो, मैंने कौन सा किसी के सर पे भाला दे मारा? अम्मी आप मेरी सास को बातें ना सुनाया करें, वो बहुत अच्छी खातून है, आपको पता है वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। और अगर कभी वो नाराज हो जाती है ना, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सारा लगता है तू दुनिया की अनोखी बहू है जो सास को परेशान देके खुद भी परेशान हो जाती। तो क्या ये गलत बात है? हाँ। वो कैसे? भाई देख, दुनिया की बहुओं का यही दस्तूर है कि सास का दुख बहुओं का सुख। अम्मी आप भी ना। चल अंदर चल के बैठ के बातें करते, फिर खाना भी हो जाएगा तो हम खाते हैं, ठीक है? असफर भाई मैं आई थी आपके घर मगर फिर वापस लौट गई। रुखसाना फॉर गॉड्स सेक, जब आई ही थी तो मिलकर क्यों नहीं गई? आप शायद मसरूफ थे बेगम के साथ। तो फिर? और समीना भाभी की हंसी तो रुकने में ही नहीं आ रही थी। लगता है कि तुम पूरी पागल हो गई। हाँ वो तो मैं हूँ। एनीवे खाना हमारे साथ खाना, स्पेशल केक मेरे लिए बेक हो रहा है। देखती हूँ, वैसे आना मुश्किल ही होगा। टेक केयर। एनी तुम अभी तक ही बैठी हो? उठो और अच्छी सी तैयार हो जाओ। क्या हो गया अम्मी, इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? अरे भाई कहीं नहीं जाना, आज हमारे घर एक खास मेहमान आ रहा है। कैसी बातें कह रही हैं? ना ही इतनी सुबह सुबह हम लोग कहीं जाते हैं और ना ही हमारे घर कोई आता है। बस इसे मेरा हुक्म समझो और अच्छी सी तैयार हो जाओ, चलो। लगता है सुबह से आप भी सोलन सिंघारी कर रही हैं और आप मुझे भी कह रही हैं कि मैं भी करूं। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आपके कहने पर तैयार हो जाती हूँ। आप जा रहे हैं? हाँ इस वक्त मैं अकेले जा रहा हूँ, और जब वापस आऊंगा ना तो यकीनन सारम मेरे साथ होगा। और जब सारम को एनी मेरे साथ देखी थी तो कितना खुश हुआ। एनी तुम अभी तक यहीं की यहीं बैठी हो? उठो और अच्छे से तैयार हो जाओ। मैं क्या हो गया आपको, खुद तो सुबह सुबह तैयार हो गई हैं, मैंने नहीं तैयार होना। मैंने कहा ना उठो और बस तैयार हो जाओ। अब ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है हमारे घर? सारे
क्या कह रही हैं आप? हाँ, तुम्हारे पापा अभी उसके ऑफिस गए हुए और वो कह रहे थे कि वो सारिम को साथ लेकर ही आएंगे। और आपके ख्याल में वो उनके साथ उठ के चले आएंगे क्या? क्यों नहीं आएगा? वो कभी भी नहीं आएंगे अम्मी। इंसान सच और झूठ की पहचान रखता है और सच तो सच होता है बेटा, और सारिम सच की पहचान रखता है। तुम देखना, वो जरूर आएगा। वो जितना जिद्दी है ना, कि मैं ही जानती हूं। अम्मी, अब झूठ इतना खुश रंग होने लगा है कि इंसान धोखा खा ही जाता है, और इस झूठ ने मेरी जिंदगी पलट के रखी दी है। क्या सारिम नहीं आएगा? प्लीज बैठिए बैठिए। I'm sorry सर, मुझे खुद आना चाहिए था आपके पास, लेकिन अपनी मसरूफियात के बाइस मैं आ नहीं सका। सो सॉरी। कैसा रहा दुबई का ट्रिप? कोई नॉर्मल रूटीन मेरा, दुबई में काम के सिलसिले में गया था, बाकी दूसरी चीजें मेरे लिए सानवी हैसियत रखती हैं। गुड। सो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी? नहीं, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत। प्लीज आप बताइए ना, क्या पीना पसंद करेंगे? बेटे मैंने कहा कुछ भी नहीं चाहिए। बेटे जहां तक मैंने जाना है, तुम्हारी ऐनी से नाराजगी जो है वो तो दो बातों। सर मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान ये मौजू छेड़ा जाए, इस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे वैसे ही बहुत तकलीफ मिल चुकी है, बिलीव मी, मैं बात ही नहीं करना चाहता इस पर। ठीक है, मैं तुमसे पहली और आखिरी दफा बात करूंगा, उसके बाद नेवर अगेन। सर मैं वही बता रहा हूं, मैं चाहता ही नहीं, फिर आप क्यों मेरे जख्मों को हरा करना चाहते हैं? बेटे मैं बाप, तुम्हारे जो दुख है वो मेरे जख्म बन चुके हैं, और मैं अमेरिका से वापस इसलिए आया हूं कि इनका कुछ सबब या हल ढूंढे हम। अम्मी आपने पापा को सारिम के पास बिला वजह भेज दिया, तो क्या उन्हें सारिम के पास नहीं जाना चाहिए था? नहीं। मगर क्यों? आप देख लीजिएगा, अव्वल तो सारिम पापा से मिलेंगे नहीं, और अगर मिल लिया तो फिर उनकी बात ही नहीं सुनेंगे। और अगर बात सुन ली तो? और अगर बात सुन ली तो उनकी बात पे यकीन ही नहीं करेंगे। मगर सारिम ऐसा तो नहीं था। सारिम अब बहुत बदल गए। ओ, आप देख लीजिएगा, पापा मायूस होकर ही आएंगे। ऐसे तो नहीं हुए ना? जी कहिए। तुम्हारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग एनी के साथ है वो यही है ना कि वो हवाला ये फाइल में नासिर रजा का कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूरा भरा हुआ है, वो जेल जाता रहा है, लफंगा है, बदमाश है। क्या तुम एक ऐसे वाहियात गिरे हुए इंसान की गवाही की वजह से अपनी बावफा बीवी को गिरा रहे हो? बेटे दूसरा इल्जाम एनी पे ये है कि उसने जानबूझ के बच्चा गिराया है। ठीक है, शुरू में उसने जरूर सोचा था कि बच्चा जाया करा दे, वो इसलिए कि जाहिर है बेचारी अकेली एक बच्चे की परवरिश कैसे करती, मगर बाद में शी चेंज्ड हर माइंड और उसने अपने दिल से इस बच्चे को कबूल कर लिया था। तो फिर 5 महीने का बच्चा अचानक ही खत्म हो गया? जैसे कि तुम जानते हो कि एनी ब्लड प्रेशर की मरीज थी। इस फाइल में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट
बच्चे के मरने से पहले और बच्चे के मरने के बाद इस रिपोर्ट में सब शो करती है, जो साफ जाहिर करती है साफ कि मेरी बेटी एनी बेगुनाह है। सर मैं नहीं जानता कि क्या सच और क्या झूठ है, लेकिन अगर ये सब कुछ सच भी है और मेरा दिल ना मान तो मैं क्या करूं? हाँ तो बेटे मैं यही समझूंगा कि मेरी बेटी एनी की जिंदगी से मोहब्बत रूठ गई है और उसका मुकद्दर सच ही खराब है। What do you mean by that? मोहब्बत रूठ गई? हाँ, जब मोहब्बत का खाना खाली हो जाता है तो नफरत हर जगह अपना घर बना लेती है और इसकी शिद्दत इतनी तेज होती है कि सच नजर ही नहीं आता बेटे। सॉरी सर, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बेटे फाइल अपने साथ ले जाओ और जब अपनी अदालत से मेरी बेटी एनी को बरी कर दो देना तो वापस आ जाना। अब देर मत करना बेटे, बहुत देर हो गई, बहुत देर। मैं सच कहता हूं मेरी बेटी बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह है। वानिया, सारिम का कमरा ठीक कर दिया ना तुमने? जी अम्मी, कर दिया। एक महीने के बाद दुबई से आया और आते सीधा ऑफिस चला गया। मेरा ख्याल है वापस आएगा ना, सबसे पहले खाना खाएगा और फिर खूब सोएगा। जी नहीं भाई, खाना खा के हमें दुबई की बातें सुनाएंगे और वो जो तोहफे लेकर आए हमारे लिए वो भी दिखाएंगे। हाँ, कपड़े और मेकअप का सामान तो मेरे लिए भी लाया होगा और मेरी चॉकलेट्स तो लाजमी आई होंगी। अरे बेटा, अम्मी भाई काफी थके हुए लग रहे हैं, सो के उठेंगे तो फिर खाना खा लेंगे। हाँ, तुम्हारी दादी ना बिल्कुल ठीक कहती है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, कि 2 लाख रुपए तनख्वाह तो देती है लेकिन 4 लाख रुपए का ना खून निचोड़ लेती है इंसान का। अम्मी आप परेशान मत हो, भाई अपनी नींद पूरी करके उठेंगे ना तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे हमेशा की तरह। सारिम, अरे बेटा अभी तो तुम आयो, अब कहां जा रहे हो? पेशावर। पेशावर? वापिस कब आओगे? पता नहीं। अदनान, वो आज मैं अपनी अम्मी के पास गई थी। ये कौन सी नई बात बता रही हो तुम तो तकरीबन रोज ही जाती हो अपनी अम्मी के पास। नहीं, रोजाना नहीं, आज काफी दिनों के बाद गई थी। गई होगी, मुझे इन मामलात में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। और बराए मेहरबानी अपनी अम्मी का जिक्र मेरे सामने मत किया करो, घबराहट सी होने लगती है, बिलीव मी। ये क्या बात हुई अदनान, मैं तो करूंगी। तकलीफ होती है सारा, गुस्सा आ जाता है, इसलिए कह रहा हूं। अपने मियां के मिजाज को पहचानो, सोच समझ कर बोला करो। लेकिन इस वक्त आपकी बातों से मुझे तकलीफ हो रही है अदनान, वो मेरी माँ है और मेरे सामने आप उनको बुरा भला नहीं कह सकते। तुम्हारी अम्मी के साथ कितनी ही कैसी ही नेकी कर लो मगर वो हमेशा बुराई ही दिया करती हैं। मुझे लगता है उन्हें लोगों को पहचानने की तमीज नहीं है। अब ऐसे तो ना कहें। मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाह रहा था सारा, और ना ही मैं कुछ कह रहा हूं।
कुछ ना कहने पर आप अपनी बीवी का इतना दिल जला रहे, जब आप अब तक अपनी बीवी के मिजाज को नहीं समझ सके तो मैं कैसे समझूंगी। हाँ अच्छी कोई भी बात तुमने सीखनी ही नहीं है, इसका अंदाजा तो हो गया है मुझे। ओहो और क्या क्या अंदाजे हो गए आपको मेरे बारे में, जरा मुझे भी तो पता चले। सारा मुझे तुमसे ऐसा कोई बात करनी ही नहीं है, सोचा था घर जाकर आराम करूंगा, तुमसे ये जहलाना टाकरा करने नहीं आया था मैं। अदनान बात मैंने शुरू की है या आपने? तुमने। हाँ आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने ही कहा था कि मैं अपनी अम्मी के घर गई थी और आपकी इतला के लिए ये अर्ज है कि मैं आज अम्मी को बहुत अच्छे तरीके से समझा कर आई हूँ कि लोगों से हर बात पर लड़ाई नहीं करते, लोगों की इज्जत करते हैं, और जब तक मैं वहां बैठी रही उन्हें यही समझाती रही। जैसे वो तुम्हारी बातें मान जाएंगी, एक कान से सुनेंगी और दूसरे कान से निकाल देंगी। मेरा सारिम लाहौर से आया तो दुबई चला गया, दुबई से आया तो पेशावर चला गया, कब से सफर में, उस बेचारे की तो थकन भी नहीं उतर रही। अम्मी आप सारिम भाई को लेकर उदास हो रही है ना? ये घर ना उसके बगैर मुझे थोड़ा सूना सूना सा लग रहा है, दिल ही नहीं लगता उसके बगैर, कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ ये तो है, लेकिन अम्मी आप ये भी तो सोचिए कि ऐनी भाभी के वालिद साहब भी तो भाई से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तुम सही कह रही हो। मैंने तो खुद सारे भाई के मोबाइल में ढेरों मैसेजेस देखे हैं उनके, और भाई ने एक मैसेज का भी रिप्लाई तक देना जरूरी नहीं समझा। जैसे अमेरिका से आया था ना भागता हुआ, वैसे ना उम्मीद होकर वापस जाएगा वो। बहुत उम्मीदें लेकर आया था ना अमेरिका से पटाने की, ना उम्मीद होकर वापस जाएगा वो। वैसे उन्हें जाना भी चाहिए ऐसे ही वापस। जैसे तड़पता हुआ आया था ना वैसे तड़पता हुआ ही जाएगा। अगर ये रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने राज रखते हैं कोई जान ना पाए, कभी होंठों पे रुक जाए कभी खामोशी से कह दे मुहब्बत हम सफर मेरी, मुहब्बत हम सफर मेरी। अब तेरी सास ना जितना भी अच्छा करे ना तू उसका उल्टा ही करना। अब फर्ज कर जैसे तेरी सास कहे कि अभी दिन है तो तू कहना मुझे तो रात लग रही है। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि वो पीछे मुड़कर देखने का आदि नहीं है, which means वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो। इसका मतलब ये है कि हमारी ऐनी की खुशियां अधूरी ही रहेगी। कितने